वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जाहिद खान एंड यू आर वाचिंग जाहिद खान व्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ मौजूदा सूरत हाल जो कि शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान न्याज के दरमियान जो है वो कुछ तल्ख कलामी हुई, और उस वजह से जो है वो उन्होंने शुएब अख्तर को अपने शो से जाने के लिए कह दिया। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपने व्यूज़ दे रहे हैं, और जो कि ज़्यादातर जो है वो हमारे लेजेंड के ही हिस्से में जा रहे हैं। डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं, वो पाकिस्तान का वो सरमाया है या उनके पास जो रिकॉर्ड है। अगर हम एक तरफ थोड़ा सा ज़रा देखें कि उनके पास रिकॉर्ड क्या है, क्या दुनिया का कोई बॉलर आज तक उन जितनी स्पीड में बॉल करवा सका है? नहीं करवा सका। तो डेफिनेटली जब अल्लाह ताला ने उनको इतना ज़्यादा एक इज़्ज़त बख्शी हुई है, तो फिर अगर थोड़ा बहुत उनका एटीट्यूड होता भी है इस हवाले से, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो उसके ऊपर थोड़ा सा क्रेडिट ले जाते हैं, तो फिर हमें इसमें मेरा ख्याल है कि उनकी उन चीज़ों को समझना चाहिए और उनको एक लेजेंड की तरह लेना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग लेते भी हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो उनको इज़्ज़त देते हैं। जिस तरह आजकल वर्ल्ड कप के हवाले से अगर हम बात करें, तो इंडिया में जाके ये बड़ी बात है कि इंडिया में जाके इंडियंस के चैनल्स पे ऊपर बैठ के वो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और मौजूदा सूरत हाल आपने देखी हरभजन सिंह के साथ, डेफिनेटली उनकी ज़्यादा जो है तो तुम्हें चलती रहती है, चैलेंजेस चल रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत दफ़ा हमने वीडियोस में देखा कि एंकर्स को बकायदा उन्होंने शो के दौरान डांटा है कि भाई ये तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। तो ये कोई बंदा ऐसा ही कर सकता है जो कि डिज़र्व करता है? जितना भी उनका कैरियर था, उन्होंने अपने स्पीड के हवाले से, अपने बॉलिंग के हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मैच जितवाए, और फिर ये रिकॉर्ड अभी तक उनके पास है। उनके पास मीन्स पाकिस्तान के पास है। तो फिर हमें अपने लेजेंड्स का जो है वो डेफिनेटली उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उस दिन के इंसिडेंट के ऊपर। इससे पहले कि हम उसके ऊपर बात करें, मेरा ख्याल है कि हम पहले वो वीडियो देख लेते हैं जिस पे उन्होंने ये सारा कुछ मामला ख़राब हुआ, वो क्या था वो देखते हैं, उसके ऊपर फिर बात करते हैं। And, mess of it, but I think the pitch was like very slow, low, difficult. Well, the question is? Question is that do you think that Pakistan made a mess of it? ये वो चीज़ें थीं जो उसको अर्जेंट कर रही थीं। Did they make a mess out of it? No, they didn't. Yeah. Well, we all know that, you know, the Pakistan was going to make a comeback with the spinners, right? Yeah. But why didn't we introduce the spinners early on? We did not need to use Hassan Ali. We should have kept him for the reverse swing. It was reversing, right? True. It was going along with the shine, wasn't it? Yeah. I'm asking you, sir, did you see the game? Yes, I saw the light, but I'm asking you because there are lots of people, so I just can't. You lost. Come and back. Yeah. Right. So I didn't think that, you know, Hassan Ali should be brought in early. You lost. I think that was Hafiz's job and a Shadab's job. When the New Zealand were looking to take singles, you know, the Pakistan contained them. Pakistan put pressure on them in terms of, you know, keeping them in pressure in terms of not giving them a freebies. Yeah. I think that we all knew that right from the word go that the New Zealanders going to struggle against spinners, and we exactly did that. They were 42 in a power play, right? And then all of a sudden that they were crunched down by the spinners of Pakistani balls, and then I think it must. Yeah, okay. So thank you. You are being a little rude, so I don't want to say that. If you are being too smart, then you can go. I'm saying it on air. Check it, yeah. So okay, sir. So would you mind telling me that? This is not the way. Excuse me. Talk to the break. We'll be right back. Game on. No, this is not the way.
जी बिल्कुल, आपने देखा, मेरा ख्याल है कि हर जो अकल रखने वाला इंसान है उस चीज़ को समझ रहा है कि भाई ज़्यादती किसकी तरफ से हुई है। और मैं 110% श्योर हूँ, जितना मैं मतलब डेफिनेटली मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं या उनकी क्रिकेट देखी है मैंने, वो एक एग्रेसिव इंसान है और बहुत सारे लोगों को वो लताड़ देते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उस दिन वो चुप क्यों रहे हैं, और जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ उस दिन के उनके चुप रहने पे कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बनता है। अगर मतलब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिस तरह यूनुस खान उस दिन इंटरव्यू में कहा कि अगर उसकी जगह पे मैं होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता, तो डेफिनेटली वो इनसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं। फिर भी उन्होंने अपना रवैया बड़ा धीमा रखा और ये सारी सिचुएशन जो है वो उनको उन्होंने हैंडल की, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि आज सब लोग उसके उनके साथ खड़े हैं। और ये डॉक्टर नोमान न्याज, मतलब मैं ख़ुद भी इनको अगर इनका नाम जो है वो मुझे अभी याद करना पड़ा इनकी वजह से, मैं देखा था एक दो दफ़ा, लेकिन आपको कौन जानता है यार, आप एक एंकर हो ठीक है, एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हुए हो और आपका अगर शो को देख रहा है तो इन स्टार्स की वजह से देख रहा है, जो आपके शो में बैठे होते हैं उनको देखने के लिए लोग आपके शो को देखते हैं, अदरवाइज आप में तो देखने वाली सी कुछ चीज़ है नहीं कि जिसकी वजह से आप जो है वो क्लेम करें। और एक सुपरस्टार जो है वो जिन्होंने इतना मतलब पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया हुआ है, आप उस बंदे को अपने शो से जाने के लिए कह रहे हैं, हु द हेल आर यू, मतलब आप होते कौन हो कि अपने शो से उनको निकालने वाले। मैं स्पेशली जो है वो इस चीज़ को कंडेम करूँगा, और बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बात कर भी रहे हैं, तो इनको बल्कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको बैन करना चाहिए बिल्कुल, अपने पीटीवी से बिल्कुल उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो है वो अगर आज इनके साथ मामला हुआ तो डेफिनेटली कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और मुझे तो बाकी लोग जो उनके साथ बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी हो रहा है कि राशिद लतीफ बैठे हुए हैं, आकिब जावेद बैठे हुए हैं, और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो इंटरनेशनल और प्लेयर्स जो है वो बैठे हुए हैं जो कि फॉरनर्स हैं, तो उनके ऊपर क्या मेरे ख्याल इमेज गई होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि शुएब अख्तर ने जो है अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया है, और उस टाइम उनको जो है वो उस तरह का जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं कुछ वीडियोज़ मैंने देखी जिसमें उन्होंने बाकायदा उनको ब्रेक पे जाने के बाद जब वापस आए हैं तो ब्रेक के दौरान उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश भी की है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म कर देते हैं, हम ये कहेंगे कि ये जो है वो एक स्टैंड था मतलब पब्लिसिटी के लिए और हम इस बात को इधर ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन डॉक्टर नुमान न्याज साहब को तो जनाब नशा चढ़ा हुआ था, उन्होंने तो कहा कि मैं सॉरी नहीं कहूँगा और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो अपोलॉजी बल्कि करते हुए वो वहाँ से स्टेप बैक हुए, मुस्ताफ़ी हुए, और ये उनका कदम जो है वो बहुत ज़बरदस्त था। और अब हम सब लोग, बहुत सारे लोग जो लेजेंड्स भी हैं, जो कि क्रिकेटर लवर्स हैं, वो सब उनके साथ हैं, और हो सकता है उनकी बहुत सारी बुराइयां हों, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल जो है वो हर चीज़ पे सपोर्ट करें, लेकिन इस मामले में जहाँ पे कि उनका बनता है सपोर्ट, उनको ज़रूर सपोर्ट करें और इस बंदे को जो है वो पीटीवी से हटाया जाए, और डेफिनेटली जो है वो ये डिज़र्व करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे साइन आउट करते हैं, किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पे बात करने के लिए आप लोगों के सामने आऊँगा, तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।